अब इसको खोल ही खोल भाई, तुझे हुआ क्या? अब इसको खोल यार, हुआ बाद में पूछ ली यार, खोल भाई। वे यार बहन हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ब्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलते अपनी पहचान की तरफ। मम्मी क्या हो रही है? तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बड़े बढ़िया नहीं है, जल्दी जल्दी बढ़िया हो जाओ। गाइस मैं जाने वाला हूँ मालदान पापा का न्यू साइट पर। अभी न्यू काम लिया था कल, वो काम स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जा रहा हूँ साइट पर। पापा ने बोलता वहाँ की थोड़ी बहुत देखभाल कर लेना, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है देखना। शाम को गाइस मेरे को दिहाड़ी वगैरह भी करनी होती है। अबे साले, काम पर आया कौन नहीं आया, किसने पैसे लिए किसने नहीं लिए, कुछ भी। तो गाइस पहले चलते हैं मालदान अपनी साइट पर, वहाँ छोटा मोटा काम है वो निपटा कर फिर उसके बाद चलता हूँ अपना ब्लॉग बनाने। तो गाइस मैंने सोचा पहले वहीं से स्टार्ट कर, घर से स्टार्ट कर देता हूँ, वहाँ का थोड़ा बहुत काम है वो काम करने के बाद। तो गाइस मैं आ रहा हूँ काशीपुर वाली रोड है, काशीपुर हिम्मतपुर से मैं मुड़ जाऊँगा, मुझे अंदर को जाना है मालदान। माल न्यू काम है, आपको बताना है क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। पापा तो माल लेने जा रहे, चल झूठा अभी, तो इस वजह से तो मुझे ही जाना पड़ेगा। पापा ने फ़ोन करके बोला था कि तू चला जा वहाँ अभी फ़िलहाल के लिए, मैं जब आ जाऊँगा तो तू आ जाना। तो गाइस मैं भी वहीं रुकूँगा थोड़ी देर। तो गाइस मुझे यहाँ से बोल रहे हैं अंदर, वो फिलहाल में भी यहीं से मैं जिंदा बच्चों को ठुक गया था नहीं। तो गाइस ये है जहाँ से मुझे जाना है। तो गाइस देख रहा हूँ मुझे इतने घने जंगल से जाना है, मुझे पहले इसकी गल के मुझे सीधा जंगल के रास्ते जाना है, लंबा बहुत है। दिखाऊंगा गाइस कितना घना जंगल है, घने जंगल के बीच में तो मुझे अकेला जाना है। भाई भी है मेरे साथ, हम दो ही जाएंगे, अकेले की हिम्मत है ना मेरी, एक आध और बैठा लेता। भैया कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कम पड़ गए गाइस, देख रहे हो कितना घना जंगल है, बहुत ज्यादा घना जंगल है। अब उसको व्यू अच्छा है, अबे यहाँ कितना गलत बैठेंगे, कोई ना कोई आज लग रही थी, मजा आई है रे, ठंडे से बच गया थोड़ी देर। चल झूठा गाइस, मैं बस पहुँचने वाला हूँ अपने पापा के काम पे। गाइस मेरे को लग रही है टॉयलेट, मुत्तू मेरे को लग रही है मुंह करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से जोर से। तो गाइस मेरे को हल्का होना है, तो थोड़ा सा मैं यहीं रोक लेता हूँ, मैं हल्का हो लूँ जब तक। आगे ना तुम्हारे चाचा भतीजे आगे निकल के कर देंगे कान तुम्हारा, गजब बेइज्जती है। आग ऊपर को दिखा देता बेटे, मूत लू मैं पहले। कुल्ली किसकी आवाज आ रही है यार? मैं मुझे ना आ रही पे। अबे आ रही है कोई है? किसकी आ रही है? कौन है भाई? क्या पता बैंक, उस दिन की तरह सीन हो गया था हमारे साथ क्या? अब उस दिन नहीं हो गया था सीन बैंकर? अबे देख ले भाई, पता नहीं कोई होगा यार जंगल में, सुनसान देख, इधर देख इधर देख कुछ भी नहीं आ रहा भाई यार, खतरे वाली चीज तो है ये। पहले उधर देख, इधर देख, बिल्कुल सुनसान, ये भी सुनसान भाई, पता नहीं कौन है, देख कुछ कोई भी नहीं आ रहा, कोई होगा, चला पहले देखते हैं। चल चल ले, जब मुझे तो ले ले यार, गिर जाऊंगा मैं। गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। अबे चाहा लिया लिया, जल्दी ले गया। कौन है भाई, कौन है? चलो पहले देख लियो भाई दूर से कौन है भाई। अबे इतने जंगल में कौन होगा भाई? अबे वो अबे कोई आदमी लग किस पे, जगह कहाँ से है भाई? अरे भाई क्या हो गया? अब इसको खोल ले खोल भाई, तुझे हुआ क्या? अब इसको खोल यार, हुआ बाद में पूछ ली यार, खोल भाई।
यार बहन जो बांधा भी तो किससे उससे यार इसे इसे पकड़। क्या हो गया भाई? अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई साहब मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर। नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। काम पे जा रहा हूँ, मुझे बांधनी है अभी 10 बजे करीब। एक डेढ़ घंटे में बंदा पड़ा हूँ यहाँ मैं। भाई ठीक तो है ना? भाई मेरा गल सूख रहा है। अबे यार हमारे पास तो पानी भी नहीं है भाई। तू चल हमारे साथ। एक बात पहले बता कि हम आ जाएंगे किसी जगह। भाई पता नहीं कौन सा लूट लिया मुझे, मैंने रोक लिया था यहाँ पे। लिफ्ट मांग रहे दो जने थे वो पैदल आ रहे थे, मुझे लूट आट के यहाँ बांध के चले गए हो। भाई तेरे को मारा भी नहीं? भाई मारा तो नहीं है, लूट के ले गए। बेहोश तो नहीं किया था ना तेरे को? तू बहुत देर से आवाज दे रहा, किसी ने सुनी नहीं तेरी? मैंने सुनी यार। वे यार चला तो सब सुन हो गए मेरे। चल भाई उठ यार, उठ उठ। अरे भैंचोत कैसे कैसे लोग हैं यार रियल में। भाई किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। हाथ सब सुन पड़ा है। इसे लेके चल भाई बाहर। भाई ठीक तो है ना तू? चल भाई चल इसे ऊपर लेके चल। गिरने दो। ठीक तो है ना भाई तू? भाई रोड से साइड में आ जा। उठ यार भाई। भाई तेरे को हुआ क्या था? ठीक तो है ना भाई तू? काम पे जा रहा था मैं सुबह। हाँ तब यहाँ पे बंदे मिल गए थे मुझे, पीछे मिल गए थे उधर। तो मैंने हाथ पे लिया ना, देखो बाथरूम करेंगे मैं रोक दी। तूने फिर मुझे मारो और लूट लिया यहाँ पे मुझे। वो बांध गए हो अंदर? हाँ टिफिन सब ले गए मेरा, और पैसे वो थे, पर्स भी, फोन भी सब ले गए। ले गए सब ले गए यार। हाँ यार सब कुछ नहीं है, मैं इसको घर छोड़ के आते हैं यार। तो भाई रहता कहाँ है तू? मालदन। चल यार से मालदन छोड़ के आते हैं। चला भाई आजा। कोई बात नहीं भाई, यार ऐसा नहीं है, मालदन छोड़ के आते हैं। चाबी दे बाइक की, इसे छोड़ के आते हैं तेरे। यार काम पे वादे जाएंगे अब, पहले सुबह को छोड़ के आते हैं। तो गाइस भाई को भाई के घर तक छोड़ के आते हैं। भाई को कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है पैसे वैसों की? भाई यार जो तेरे साथ हुआ है ना ये मेरे साथ भी हुआ है एक दो दिन पहले, बट मेरी गाड़ी मेरा फोन वगैरह चुरा लेता, वो तो मेरा भाई लेके आ गया था वापस। तो भाई मेरा तो आ गया था भाई। भाई नहीं भाई यार वो काशीपुर रोड पे हुआ था यार। भाई यार तभी मैं बोलता हूँ ना किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, अगर हम हेल्प ही नहीं करेंगे तो फिर इंसानियत खत्म हो जाएगी यार। तो गाइस देख रहे हो किसी की हेल्प करो तो ऐसा नतीजा मिलता है। एक बार मेरे साथ हो गया, एक बार इस बंदे के साथ हो गया, पता नहीं कौन है मैं इसको नहीं जानता हूँ। और भाई को छोड़ देते हैं भाई के घर तक। भाई कहाँ तक है, कहाँ पर है तेरा घर? मालन 4 नंबर रोड। ये कहाँ पर है भाई? वैसे भाई यार मालदन की रोड बहुत गंदी है और भाई को भी छोड़ना है, मेरा काम तो पीछे रह गया। भाई तेरा घर कहाँ पर है? कहाँ पर? हाँ पकड़ गया। चलो भाई भाई कहाँ पर है तेरा घर? कौन सा ना? ये वाला आगे वाला। चल भाई भाई को यहीं छोड़ देते हैं। चल भाई को छोड़ के आया यार। भाई छोड़ने गया, मैं तो यहीं बैठा हूँ अभी।
तो फाइनली गाइस मैंने बाइक को बाइक के घर छोड़ दिया है। तो गाइस ऐसे पता है क्या है यार, और किसी की हेल्प भी नहीं करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो गाइस देखा पिछली बार मैं हेल्प करने के लिए रुका तो मेरे साथ ऐसा हो गया था, आपने देखा ही वीडियो में, पिछली वीडियो में देख ही लिया था। और गाइस अब ये भाई जो था जिसको मैंने छोड़ा वो हेल्प करने के लिए रुका, उसके साथ ऐसा हो गया। तो गाइस पता है हर किसी की हेल्प करने से पहले 10 बार ना देख लेना चाहिए कि भाई वो बंदा कैसा है, या रियल में वो परेशान है या नौटंकी कर रहा है। तो गाइस ये चीज पहले देख लेना और इन चीज़ों से सतर्क रहा करो। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय टाटा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो।